ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 हाउ आर यू बेटा। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग डिस्कशन करते हैं आपके चैप्टर ग्रेविटेशन के बारे में। इन दिनों हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे, या हेडिंग डालेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है और क्या है ये, इसके बारे में देखेंगे ग्रेविटेशन। ओके बेटा, आप देखना, यहाँ लिखना है आपको एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स क्या करता है। इसमें आप थोड़ा सा लिखेंगे एवरी ऑब्जेक्ट इन द अर्थ इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। मैं इसके बारे में अच्छे समझाने वाला हूँ। सबसे पहले आप लिख लीजिए, ओके, विच इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ध्यान से देखना क्या बोला गया है। जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये बोलता है कि जितने भी यूनिवर्स में जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी एस्टेरॉइड्स हैं, जितने भी उल्कर्स हैं, ये स्टार्स हैं, ये सब एक दूसरे को एक फोर्स के साथ एक फोर्स अप्लाई करके अपनी ओर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो यह फोर्स कैसा है बेटा, यह फोर्स जो है इक्वल है, यह फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोल रहे हैं, यह फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेनेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और क्या बोलता है, इनके बीच की दूरी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है होता है। तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे इसको अपन लोग क्लासिफाई करेंगे। देख लीजिए, ये है आपका, ध्यान से देखना, अर्थ है, दो अलग अलग प्लेनेट ले रहा हूँ मैं। अर्थ जिसका जो मास है वह कैपिटल एम एम है बेटा, और ठीक इसका छोटा वाला रूप रहेगा जो कि क्या करता है, इस अर्थ का रोटेटिंग करता है, चक्कर लगाता है, जिसको अपन लोग क्या बोल लें, मून बोल दो, गुड। तो और इस मून का मैं ले लेता हूँ स्मॉल एम में, क्या है इसका मास है। इनके दोनों के सेंटर से यदि मैं डिस्टेंस निकालूँ, इनके दोनों के सेंटर से यदि मैं इन दोनों को मिलाऊँ कि ये कितने दूरी पर डिस्टेंस में है, तो सपोज मैं मान लूँ कि ये बीच की दूरी क्या है बेटा, इनकी डी है। तो क्या बोला गया है, यूनिवर्सली लॉ ऑफ प्रोपोर्शनल में देखिए फर्स्ट कंडीशन बनता है इसमें, ये बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट। यूनिवर्स की हर एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ को क्या करती है, अपनी ओर खींचती है, विथ अप्लाई ऑफ फोर्स, क्या करके, फोर्स को अप्लाई करके, विच इज़ प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो जो क्या है, प्रपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल है किसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, यह डायरेक्टली प्रपोर्शनल है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। तो अपन लोग क्या लिखेंगे, देखिए फोर्स अप्लाई करता है तो एफ इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, और इन दोनों ऑब्जेक्टों का मास क्या है बेटा, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। तो मैं इसको लिख देता हूँ क्या, एम। ओके, आपको समझ में आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों पिंडों के मास के, यानी कि इस एम और इस एम के दोनों पिंडों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, और दूसरा कंडीशन ये कहता है इसका, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। दूसरा इसका बात कहता है, और साथ ही
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, मतलब डी का स्क्वायर है, मतलब ये लिख दूंगा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई डी स्क्वायर। क्या बोल रहा है बेटा, वन बाई डी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है दूसरा बार देखिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब इन दोनों पिंडों के बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर इसको दो दे दिया। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या मैं इन मैं लिख देता हूँ इन इक्वेशन वन एंड सेकेंड, कैसे लिख सकते हैं इसको, एफ इज प्रोपोर्शनल साइन एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई और डी का डी स्क्वायर, मतलब कि एक जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई करेगा तो ये ज्यों का त्यों रहेगा लेकिन डी जो है अपने पोजीशन पर रहेगा, दैट्स द रीजन इसका नया जो सिंबल आएगा वो इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एग्जैक्ट आंसर है या प्रूवमेंट करता है कि जो फोर्स है वह दोनों पिंडों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं। अपन लोग ये भी जानते हैं मैथमेटिक्स के रूल्स में यदि हम इनवर्स ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएं तो हमें एक कॉन्स्टेंट मिलता है। तो इसको अपन लोग इस तरीके से लिख सकते हैं बेटा, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी, इसको कैपिटल जी देन कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाई डी स्क्वायर, ओके डिवाइड बाई डी स्क्वायर, जहाँ जी क्या है बेटा, यहाँ लिखेंगे आप या आगे ले लीजिए, वेयर जी इज अ क्या है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है और इसका वैल्यू क्या कहता है, एंड द वैल्यू ऑफ जी कितना है बेटा, जी का वैल्यू कितना है, आप जी का वैल्यू लिखेंगे, एक मिनट, इस जी का वैल्यू आप लिखेंगे, जी का वैल्यू लिखेंगे 6.673 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर माइनस 11 न्यूटन एम मीटर स्क्वायर किलोग्राम जी, एम स्क्वायर देन किलोग्राम जी, किलोग्राम माइनस टू पर स्क्वायर, ओके जी जो है आपको। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।